काफ़ी बार सिर दर्द मामूली सा चलते रहता है, हमारे एक लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है कि सिर दर्द हो रहा है, मामूली सा हो रहा है, चलते जा रहा है। बट अगर आपका हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपने अपने डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। कभी कभार हेडेक माइग्रेन एक गंभीर बीमारी होती है। अगर कभी भी किसी को हेडेक के साथ डबल डबल दिख रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, पलकें झपक रही है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, हाथ में सुनपना आ रहा है, या बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द है इतना ज़्यादा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, इस टाइम हम आपको तुरंत एमरजेंसी जाना पड़ता है। हमें एमरजेंसी में हेड स्कैन या सिटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करना पड़ता है। फूड मिस करना, एक्सेसिव कॉफ़ी पीना, ज़्यादा धूप में जाना, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट करना, ऑफिस में कन्फ्लिक्ट्स रहना, ये सब चीज़ें बोलते हैं ट्रिगर्स। तो हमारा काम है सबसे पहले ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो, ट्रिगर्स को एलिमिनेट करो। काफ़ी बार 50% आपको हेडेक कंट्रोल उसी से मिल जाता है। सिर दर्द बहुत कॉमन है और हम सभी ने कभी ना कभी झेला, और कुछ को तो बहुत ज़्यादा होता है। इसी पर बात डॉक्टर सुमित धवन जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से डॉक्टर सुमित हमारे शो में, सेहतनामा में, और शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। सो सिर दर्द स्ट्रेस सभी को है, बच्चों को भी स्ट्रेस है, बड़ों को भी है, बुजुर्गों को भी है। जनरली कितने पेशेंट सिर दर्द की शिकायत के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं आमतौर पर, आपका जो एक्सपीरियंस है? अब सिर दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक घरों में प्रॉब्लम है, बच्चों में भी है और बड़ों में भी। अब काफ़ी बार सिर दर्द मामूली से चलते रहता है, हमारे एक लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है कि सिर दर्द हो रहा है, मामूली से हो रहा है, चलते जा रहा है। बट अगर आपका हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपने अपने डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अगर आपको हेडेक हर बार आपको हफ्ते में एक बार से ज़्यादा हो रहा है, आपको एक बार से ज़्यादा पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ रही है, इस टाइम का मतलब है आपको रेगुलर हेडेक के लिए मेडिसिन देना ज़रूरी है। अगर आपको इससे कम हेडेक हो रहा है, ज़्यादा सीवियर नहीं, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप काम कर पा रहे हो, तो ठीक है। अगर आपका सिंपल क्रोसिन या पैरासिटामोल टैबलेट से काम चल रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास दिखाने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। सो जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं सिर दर्द की शिकायत लेके, तो आप क्या कुछ और भी गंभीर बीमारी हो सकती है सिर दर्द से रिलेटेड? जैसे आपने कहा कि अगर ठीक नहीं होता है और अक्सर होता रहता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ टेस्ट भी होते हैं? राइट, कभी कभार हेडेक माइग्रेन एक गंभीर बीमारी होती है। अगर कभी भी किसी को हेडेक के साथ डबल डबल दिख रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, पलकें झपक रही है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, हाथ में सुनपना आ रहा है, या बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द है इतना ज़्यादा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, इस टाइम हम आपको तुरंत एमरजेंसी जाना पड़ता है। हमें एमरजेंसी में हेड स्कैन या सिटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है क्योंकि क्लॉट तो नहीं, कोई पैरालिसिस तो नहीं। तो इस तरह का हेडेक जिसमें इन सारे लक्षण आने लगे, ये एक एमरजेंसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और हमें तुरंत हेड स्कैन करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडेक का कारण होता है माइग्रेन। माइग्रेन यूजुअली जब किसी को महीनों और सालों की हिस्ट्री रही तब हमें इतना डर नहीं रहता, लेकिन किसी को अगर हेडेक पहली बार हुआ है, आज हुआ है, जितना कम ड्यूरेशन का हेडेक है उतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आमतौर पर हेडेक को कन्फ्यूज़ करते हैं माइग्रेन या टेंशन हेडेक, जो सबसे कॉमनेस्ट थिंग है। अब माइग्रेन बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। बच्चों और बड़ों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम बड़ों का एग्जांपल लेंगे जो काफ़ी कॉमन है, हेडेक हमेशा एक साइड पे होता है, कभी एक साइड पे होता है, कभी दूसरे साइड पे होता है, काफ़ी बार आँखों में भी पेन भी होता है। तो इसलिए हम काफ़ी बार आई स्पेशलिस्ट में जाते हैं कि हमारी आँखें दर्द हो रही है लेकिन आँखों में कुछ निकलता नहीं है। कभी कभार चेहरा सुन्न हो जाता है, एक चेहरे का एक साइड सुन्न होने लगता है, थोड़ा सा भारीपन आने लगता है, कभी कभार थोड़ा सा लाल लाल भी दिखने लगता है, सूजन भी आती है, और कभी कभार हेडेक पीछे के साइड पे, दोनों साइड पे, सिर के बीच के हिस्से में भी होता है। साथ ही में माइग्रेन वाले हेडेक जो रहता है उसमें उल्टी भी आती है, चक्कर आती है, नींद में प्रॉब्लम्स आती है, फोकस करने में कॉन्सेंट्रेशन आती है, और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि टीवी की आवाज़, मोबाइल की आवाज़ सहन नहीं आ रही, जिसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया और फोनोफोबिया। धूप में जाओगे तो तुरंत आपको हेडेक हो जाता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं हेडेक और माइग्रेन के। और बच्चों में क्या डिफरेंस होता है? बच्चों में डिफरेंस ये रहता है कि बच्चों में हेडेक पूरा डिफ्यूज रहता है, मतलब पूरे सिर पर रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो एक ही साइड पे होगा। आँखों में पेन आमतौर पे इतना नहीं रहता है, उल्टी या चक्कर इतने बच्चों में नहीं आते। तो बच्चों में मेन आता है कि डिफ्यूज पूरे सिर पे हेडेक हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रही है, और कॉमनली ये रहेगा कि सिर दर्द होता है, फिर बच्चा सो जाता है और उसके बाद हेडेक ठीक हो जाता है। तो आमतौर पर अगर हेडेक के बाद इतना ज़्यादा हो रहा है और वो स्लीप से इम्प्रूव हो रहा है, तो हमें कुछ तक अंदाज़ा रहता है कि माइग्रेन वाला हेडेक हो सकता है। बच्चे अगर आते हैं आपके पास सिर दर्द की प्रॉब्लम लेके, तो आप क्या इलाज करते हैं? अब बच्चों का हेडेक का कारण बड़ों से थोड़े से अलग रहते हैं। बच्चों में भी इमोशनल फैक्टर्स रहते हैं, काफ़ी बार उसमें पेरेंट्स के इश्यूज रहते हैं कि पेरेंट्स में थोड़ी सी डिसहारमोनी रहती है, कोई चिल्लाता है, कोई गाली गलौज का रहता है, कभी कभार अब्यूज़ का इशू रहता है, डिसपेरेंटल हारमोनीज रहता है,
दूसरा प्रॉब्लम्स आती है दूसरे बच्चों का इंटरेक्शन, बुलिंग रह सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्कूल की टीचर डांट रही है उसको, तो इस तरह सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स बच्चे के माइंड हेल्थ पे असर करती है और बच्चे को हेडेक होता है। तीसरा आता है कॉन्फिडेंस इश्यूज कि बच्चा अकेला परफॉर्म करने में, दूसरे ग्रुप इंटरेक्शंस में इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, तो जब भी वो चार बच्चों के बीच में खेलता है तो वह हमेशा उसको नीचा दिखाया जाता है, तो फिर से उसकी वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेशन रहता है। तो किसी भी तरह का माइंड पर स्ट्रेस, चाहे गुस्सा हो, एंगर हो, बुलिंग हो, कॉन्फिडेंस हो, ये सब चीज़ें बच्चों को हेडेक प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट पे बात करें, ट्रीटमेंट पे आने से पहले सबसे ज़रूरी हमारे लिए रहता है कि हमें श्योर रहना पड़ता है कि कॉमन चीज़ें दांत का पेन रहता है, साइनस इन्फेक्शन रहता है, आंखों में इन्फेक्शन और कानों में इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हेडेक होता है। तो ट्रीटमेंट करने से पहले हमें श्योर रहना पड़ता है कि इन चार, फिर आप ये टेस्ट भी करते हैं? तो हम पहले एग्जामिनेशन कर लेते हैं, ओरल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, साइनस टेंडरनेस हम साइनस के लिए चेक कर लेते हैं, और सिंपल आंखों का रिफ्रैक्टिव एरर और फंडस जो एक हमारा एक ऑप्थाल्मोस्कोप है उसे हम और चेक कर लेते हैं, और ईयर एग्जामिनेशन कर लेते हैं। हमें श्योर रहना पड़ेगा कि आप किसी इन्फेक्शन को मिस नहीं कर रहे ट्रीटमेंट के लिए। अगर इन्फेक्शन होगा तो हमें हेडेक का ट्रीटमेंट भी करना है और इन्फेक्शन का भी ट्रीटमेंट करना है। तो अब बच्चों में सिर दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट आप क्या करें? सो सबसे अगेन जरूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, टाइम पे पढ़ो, टीवी टाइम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टाइम, प्रॉपर एक्सपोजर करो। अगर धूप में आने से आपको हेडेक हो रहा है तो कैप यूज़ करिए, गॉगल यूज़ करें, एडिक्वेट हाइड्रेशन, ये सबसे बेसिक प्रिमिटिव स्टेप्स है लाइफस्टाइल मेजर्स से सारे बच्चों में लेने चाहिए। और अगर ज़्यादा हेडेक है, हफ्ते में एक बार से ज़्यादा है, ज़्यादा सीवियर है, तो हमें रेगुलर मेडिसिन देनी पड़ती है। ओके, ठीक हो जाता है उससे? बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जब एडल्ट आते हैं आपके पास सिरदर्द के, एडल्ट्स के हेडेक के प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट रहते हैं, उसमें आमतौर पर स्ट्रेस और इमोशनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रहता है, और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं उसमें फीमेल्स में होता है। अब फीमेल्स में हेडेक रहने के कारण बहुत डिफरेंट्स है, कभी कभार उनकी हस्बैंड से इश्यूज है, कभी कभार रिस्पेक्ट का इश्यू है कि हस्बैंड ठीक से रिस्पेक्ट ज्यादा सोच रही है, ज्यादा सोचने की वजह से हेडेक होता है। हम जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा हेडेक होगा। कभी कभार यूजुअली फीमेल्स में होता है कि छोटा सा भी क्रिटिसिज्म रहा तो उनको गुस्सा आएगा, फिर इमोशनल प्रॉब्लम आएगी और उससे इमोशनल हेडेक्स ठीक हो जाएंगे। काफी बार हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अब हम देखा जाएंगे तो फीमेल्स आजकल वर्किंग भी है, हाउसवाइफ भी है, उनको सवेरे घर का काम भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, शाम में दोबारा घर संभालना है, तो उनका माइंड को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हेडेक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है ऑफ हेडेक ट्रीटमेंट रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है जो चीज़ आपको हेडेक कर रही है, फूड मिस करना, एक्सेसिव कॉफ़ी पीना, ज़्यादा धूप में जाना, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट करना, ऑफिस में कन्फ्लिक्ट्स रहना, ये सब चीज़ें बोलते हैं ट्रिगर्स। तो हमारा काम है सबसे पहले ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो, ट्रिगर्स को एलिमिनेट करो। काफ़ी बार 50% आपको हेडेक कंट्रोल उसी से मिल जाता है। फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट का रोल आता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट, मतलब अगर आपको आ रहा है, हेडेक हो रहा है, तो उस टाइम आपने क्या करना है। तो आमतौर पर सिंपल मेडिसिन क्रोसिन ही काम चल जाती है, लेकिन कभी आपको उससे असर नहीं पड़ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलकर डिस्कस कर लेना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट हायर और स्ट्रॉन्गर मेडिसिन आती है जब अगर पैरासीटामोल या क्रोसिन आपकी असर नहीं कर रही है। और नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। अगर आपको हेडेक हफ्ते में एक बार से ज़्यादा हो रहा है या बहुत ही सीवियर हो रहा है कि आपको काम से छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि आपका हेडेक बार बार ना हो। इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, आपको पेन किलर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपको काम से छुट्टी लेनी पड़ती नहीं है, आपका वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाता है। तो हेडेक ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड आपका फंक्शनिंग, ताकि आपके वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव हो। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर सुमित, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सिरदर्द से शायद आपको राहत भी इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाए। सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। शुक्रिया।